भोपाल के गांधी भवन में लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने की पुस्तक गांधी है तो भारत है पुस्तक का विमोचन किया गया। इस खास मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, विधायक कुणाल चौधरी समेत कई महाअनुभव मौजूद रहे, जिन्होंने गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए आज के परिदृश्य के हालातों पर चर्चा की। लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का इस पुस्तक को लिखने के पीछे का अहम मकसद यह है कि आज जो हालात पैदा हो रहे हैं और गांधी जी ने अपने विचारों से जिस तरह लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया, उससे आज हम कोसों दूर होते जा रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो हम परंपरावादी होते जा रहे हैं, जो इस देश के लिए घातक है। सार्वभौमिकता वाले लोग हैं, सब मिलजुल कर रहने पर भरोसा करते हैं और यही भावना लेके गांधी ने इस देश को जोड़ा था। लेकिन जिस दौर में हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतने परंपरावादी होते जा रहे हैं और यह जो चीज़ है ये इस देश के लिए घातक हो सकती है। ऐसे समय में गांधी के विचारों को सामने लाना जरूरी है। इस किताब में कुल 31 अध्याय है जिसमें गांधी का राष्ट्रवाद, गांधी की धर्मनिरपेक्षता, विभाजन को लेकर गांधी की भूमिका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, ऐसे विषयों को इस किताब में डाला गया है। इस पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल रहे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस देश का जो मूल है गांधी के विचारों का मूल है। इस देश को आजाद कराने में गांधी का बड़ा योगदान है। देश में शांति सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले ही गांधी थे। बिन गांधी के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए गांधी है तो भारत है। इस देश का जो मूल है वो महात्मा गांधी के विचारों का मूल है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, इस देश में शांति सद्भाव सद्धर्म का जो पाठ पढ़ाया उस पाठ को जन जन तक पहुंचाने की एक कोशिश होना चाहिए। पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी के विचारों को खत्म करने की कोशिश करी गई। हम लगातार इसमें कोशिश में कि कैसे संविधान को जन जन तक पहुंचाए, उसके मूल भाव को, अधिकारों को जन जन तक पहुंचाए। इसके बाद महात्मा गांधी को पुस्तकों के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, क्योंकि देश की आत्मा में महात्मा गांधी के विचार बसते हैं और महात्मा गांधी के विचारों के माध्यम से ही हम इस देश में शांति एकता और भाईचारे को कायम रख सकते हैं। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए सभा में बताया कि महात्मा गांधी में इतनी ताकत और आत्मबल था कि ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हुए उन्होंने देश को आजाद कराया और आज जिस तरह जो देश में वातावरण चल रहा है उससे जरूर महात्मा गांधी आहत होते। अभी जो कुछ भी देश में वातावरण चल रहा है, ये इस तरह की स्थितियां मैं समझता हूँ पैदा होंगी, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भी मिला होगा। और ये जो संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें वो सब चीजें निहित थी कि इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई फेर बदलना हो। महात्मा गांधी के बारे में यही कहेंगे कि जब उनको ब्रिटिश किंग ने लंदन बुलाया और लंदन जब वो पहुंचे शिप से, तो जो उनका बीच का कोऑर्डिनेटर था मिलाने वाला, उसने कहा भाई ये इस ड्रेस में आप नहीं मिल पाओगे, आप तो टाई सूट और उसमें आइए तब मिलेंगे किंग आप। दुनिया का 3/4 दुनिया में जिसका शासन था उस किंग का, जब उससे कहा गया कि गांधी तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही मिलूंगा लंगोटी में, तो किंग ने कहा नहीं लेके आओ, ऐसे ही लेके आओ। तो महात्मा गांधी से किंग ने पूछा कि मिस्टर गांधी वेयर आर क्लोथ्स, तो गांधी जी ने कहा कि तुमने छीन लिए, मतलब इतनी ताकत इतना आत्मबल उस 3/4 दुनिया के किंग पे कहने का अगर किसी में साहस था तो महात्मा गांधी की, मेरे देश के सब कपड़े तुमने छीन लिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी महात्मा गांधी को याद कर कुछ अनछुए पहलुओं को जनता के सामने लाने का प्रयास किया और कहा कि महात्मा गांधी के एक नहीं अनेक रूप थे। वो समाज सेवी थे, इकोनॉमिस्ट थे, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले महात्मा थे। अगर इस देश की आत्मा को किसी ने समझा तो वो केवल महात्मा गांधी ने, जिसने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। महात्मा गांधी बेहद
वर्सटाइल थे। वर्सटाइल मतलब कि अनेक उनके रूप थे, वे समाज सेवी भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे और अपने आप में एक सत्य और अहिंसा का उन्होंने जो आवरण ओढ़ा उसका वो पालन भी करते थे। इस देश का जो इतिहास है भारत का, उसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि भारत की आत्मा को समझा और भारत को की आत्मा को समझकर भारत की अनेकता में एकता को समझा और अपने आचरण में उसका अनुपालन किया, दूसरा कोई व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर गांधी जी आज होते तो आज शाम को ही लाल किले से लाल चौक तक जाके अपनी पदयात्रा प्रारंभ कर देते। तो इस प्रकार लेखक डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने की पुस्तक गांधी है तो भारत है के विमोचन समारोह में आज के परिदृश्य को गांधी जी के विचारों से जोड़ने की अहम जरूरत है, क्योंकि इस देश की कल्पना बिन गांधी के ना इंसाफी सी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।